गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र का दौरा खासा चर्चा में आ गया है। उन्होंने जो बातें यहां पर कही हैं उनकी चर्चा हो रही है। अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच शिवसेना पर दावे को लेकर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई जारी है। अमित शाह ने बीएमसी चुनाव में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर सभी सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पार्षदों के साथ बैठक की। इस दौरान मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने बीएमसी के लिए मिशन 135 का ऐलान किया। बीएमसी में 227 सीटें हैं। आशीष शेलार ने बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वो बीएमसी के 25 साल के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तैयार हैं। वो सड़कों पर उतरेंगे और आगामी बीएमसी चुनाव जीतेंगे। शेलार ने बताया कि पिछले चुनाव में बीजेपी 15-20 सीटों पर 100 से 150 वोटों के अंतर से हारी थी। उन्होंने कहा, अगर हम ध्यान केंद्रित कर लेंगे और अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो हम इन सीटों को वापस जीत सकते हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोगों को अब समझ आ गया है कि कौन असली चाणक्य है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि हमें इस चुनाव में शिवसेना को हराने के लिए आखिरी चुनाव के तौर पर देखना चाहिए। 2017 में बीजेपी को बीएमसी में 82 सीटें मिली थी। यह शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें कम थी। अमित शाह ने सोमवार सुबह मुंबई में लाल बाग के राजा गणपति पंडाल के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी मौजूद रहे। तमाम बड़े नेता मौजूद थे। अमित शाह की मुंबई यात्रा काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस साल के आखिरी में बीएमसी चुनाव होना है। देवेंद्र फडणवीस पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बीएमसी चुनाव में एकनाथ शिंदे के खेमे के साथ मिलकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमित शाह ने भी स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। दरअसल अभी तक एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में शिवसेना की लड़ाई सुलझी नहीं है और एकनाथ शिंदे भी इस बात को जानते हैं कि यदि उन्हें असली शिवसेना के तौर पर जनता ने, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। ये अग्नि परीक्षा बीएमसी चुनाव से ही शुरू होनी है। बीजेपी की अपनी ताकत है। बीजेपी बेशक शिवसेना के साथ रही हमेशा या शिवसेना बीजेपी चुनाव लड़ते रहे साथ साथ में, लेकिन पिछले एक दौर में हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी की ताकत बढ़ी है और शिवसेना की ताकत कम हुई है। पिछली बार तो ये हुआ था कि बीजेपी सिर्फ महज 2 सीटें कम थी बीएमसी में शिवसेना के मुकाबले, जो कि पिछले बार कई सालों के प्रदर्शन के मुकाबले बहुत बढ़िया प्रदर्शन बीजेपी का कहा जाएगा। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे में भी कोई समझौता नहीं किया था। तो बीजेपी और शिवसेना की दूरियां तो चली आ रही थी। अब असली चैलेंज सामने आता है एकनाथ शिंदे के सामने, क्योंकि एकनाथ शिंदे अपनी ही पार्टी से टूटकर अलग हुए हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी के ज़्यादातर लोग उद्धव ठाकरे को की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के खिलाफ जाकर उन्होंने महाविकास अगाड़ी बनाई, इस बात को वो नकार रहे हैं। क्या इस बात को सचमुच में कार्यकर्ता नकार रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे की नेतृत्व क्षमता उन्हें पसंद नहीं आ रही? ये सारे सवालों के जवाब तो अल्टीमेटली कार्यकर्ताओं को देने हैं और ये सारे कार्यकर्ता या वोटर्स शिवसेना की असली शिवसेना की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीजेपी इस बात को जानती है, सरकार को सुचारू रूप से चलाना है तो एकनाथ शिंदे और उनके गुट का मजबूत होना जरूरी है और असली शिवसेना शिंदे के पास है। यह ब्रांड शिवसेना कितना जरूरी है बीजेपी के लिए, इस बात का अंदाजा अमित शाह के इस बयान से लगाया जा सकता है कि वो कह रहे हैं असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। यानी बीजेपी भी यही चाहती है कि शिंदे के पास यह शिवसेना रहे। इसी में उसकी भलाई भी है क्योंकि यह बात सिर्फ बीएमसी चुनाव की नहीं है, आगामी सारे चुनाव में बीजेपी को इस समीकरण के साथ जाना है। बाला साहब ठाकरे के नाम को अपने साथ रखना है तो शिवसेना को भी साथ में रखना जरूरी होगा। उद्धव इस बात को जानते हैं, लिहाजा बीएमसी चुनाव को वो भी अपनी अग्नि परीक्षा के तौर पर देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। इस सब के बीच में बड़ा फैक्टर राज ठाकरे का भी रहेगा। ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि अमित शाह की इस यात्रा के दौरान राज ठाकरे को भी मनाने की कोशिशें की गई हैं और बहुत मुमकिन है कि सीटों के बंटवारे पर कोई समझौता किया जाए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।